हेलो गाइज, मैं हूँ अमित। गाइज, आज हमारे पास में दो डब्बे काले नाक के। जी हाँ दोस्तों, ये जो डब्बा है इसके अंदर और डब्बे होते हैं, उसके अंदर और डब्बे होते हैं, और उसमें होती है छोटी छोटी गोलियाँ जिसके ऊपर जैसे ही हम आग लगाते हैं उसमें से सांप निकलता है। ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ों को बहुत चलाते हैं और भाई बहुत दिखने वाला पटाखा है दिवाली पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई बहुत सारी गोलियों को एक साथ निकाल करके उसको हम लोग डाल दें एक बॉटल के अंदर, बॉटल को पूरा भर करके फिर चलाएँ तो देखे किस तरीके से जो है सांप निकलता है और बहुत बड़ा निकलने की उम्मीद है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी तरफ से प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो भाई यहाँ पर हमारे दोनों ब्लैक स्नेक्स के डब्बे, आप देखिए कितना बड़ा इनका साइज है, और यहाँ पर हमारी बॉटल जो कि कोका कोला की है। तो सबसे पहले इन बॉक्सेस को खोलना शुरू करते हैं और इनके अंदर के ब्लैक स्नेक्स को निकालते हैं बाहर। और भाई इसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हो 10 डब्बे हैं, काफी बड़े साइज के, माचिस के डब्बों की तरह जो है ये लोग दिखते हैं। और एक डब्बे की अगर मैं बात करूं तो इस डब्बे के अंदर भी जो है काफी सारे और डब्बे मिलेंगे, 10 डब्बे हमें और मिलेंगे इसके अंदर। आप लोग देखिए, यानी कि डब्बे में डब्बा और डब्बे में और डब्बा, और उस डब्बे के अंदर गोलियां कुछ इस तरीके की। तो इन गोलियों को निकालना शुरू करते हैं और हमारी जो बॉटल है उसमें डालना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है सारे बॉक्सेस को खाली कर लिया है और आप देखिए कितने सारे जो है इनके खाली डब्बे हो गए हैं। और भाई हमारी जो छत है उसके ऊपर काफी सारा कचरा हो गया, तो इसको हमें अब साफ करना पड़ेगा। तो भाई अब लगाते हैं इस ब्लैक स्नेक से भरी हुई बोतल के ऊपर आग, और एक बार ये पकड़ गई ना उसके बाद में सारा मजा आने वाला है भाई। पकड़ गई, और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सांप है वो ऊपर की तरफ निकल रहा है। और अब ये जो है पूरा जला नहीं और बुझ गया है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग सांप जो है चारों तरफ निकल रहे हैं, एक यहाँ पर भी निकल रहा है आप लोग देखिए, लेकिन जो बॉटल है वो मुझे लगता है बुझ चुकी है जी, बिल्कुल बॉटल जो है वो बुझ चुकी है। दोस्तों इस बार हमने इसके अंदर थोड़ा सा पेट्रोल भी डाल दिया है ताकि ये अंदर जाकर के बुझे ना, देखते हैं इस बार क्या अंतर होता है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ब्लैक स्नेक है वो बाहर निकल रहा है और एकदम फन फैला के निकल गया बाहर, लेकिन रुक कैसे गया भाई। और दोस्तों कितना तेजी से ये जो है बाहर की तरफ निकला, और भाई निकलने के बाद में पूरा जो है इधर उधर गोलियां गिर गई, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत सारी टैबलेट बची हुई हैं और ये हो सकता है काफी गर्म हो। तो भाई यहाँ पर इस बोतल में से हम जो है गोलियों को बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बोतल के अंदर आपने देखा किस तरीके से चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितनी सारी गोलियां इसके अंदर बची हुई है, यानी कि कुछ ही जो टैबलेट थी लगभग 10-15%, यानी कि 100-200 गोलियां उसमें जल पाई है और निकल करके बाहर गई है। यहाँ पर हम इनके ढेर को एक साथ नहीं जलाएंगे, इनको थोड़ा सा फैला देंगे ताकि सारी गोलियां एक साथ इग्नाइट हो सकें। और अगर एक साथ हम रखते हैं ना तो एक मोटा सांप निकलता है, लेकिन अगर हम इनको अलग अलग रखेंगे तो शायद पतले पतले बहुत सारे निकलेंगे। देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमारा कितना कामयाब होता है।
तो भाई यहाँ पर आग लग चुकी है और देखते हैं हम किस तरीके से चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है यहाँ पर। और दोस्तों जो हमने फ्यूल डाला था उसकी वजह से पूरा ही इग्नाइट हो गया है यहाँ पे। और भाई साहब आप लोग देखो किस तरीके से जो ब्लैक स्नेक है वो निकल रहे हैं भैया बहुत सारे, और इसके अंदर जो हीट निकल रही है उसको मैं अभी तक फील कर पा रहा हूँ। और भाई साहब यहाँ पर ये जो ब्लैक स्नेक है निकल करके नीचे गिर गए हैं, और यार किस तरीके से किस शेप में निकले हैं सारे के सारे, आप लोग देखिए एकदम सीधे निकले हैं। और भाई जैसा हमने सोचा था ना जितना मजा बॉटल में आ रहा था उससे कहीं ज्यादा मजा इसके अंदर आया है। अंदर की तरफ आप देखें तो अभी भी ये लाल हो रखा है, एकदम रेड हॉट है, लेकिन बाहर की तरफ से आप देखिए यार क्या पैटर्न बना है। यहाँ पर भी देखो कमाल का पैटर्न है, गोल गोल घूमे हुए हैं और पीछे एकदम सीधे हैं। यार इस तरीके की चीज तो पहली बार ही हुई है भाई। मजा आए तो प्लीज एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, 1000 जो हमने जला दिए एक साथ। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं हम। तो भाई अब ये जो है ठंडे हो चुके हैं, और आप लोग देखिए कि कितने बड़े साइज का होता है, लेकिन कितना इजीली अगर हम इसको क्रश करते हैं तो आप देखिए कितना इजीली जो है सारा का सारा जो सांप है वो खत्म हो जाता है। देखो इतने सारे हैं, गोन कुछ नहीं बचता। तो भाई अब ये जो कचरा है इसको साफ करते हैं यहाँ से। आप देखो कितने सारे जो है ब्लैक स्नेक्स हो गए यहाँ पे। ये जो एकदम कमजोर होता है देखो यार बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही हद से ज्यादा, अगर हम इसको पिचकाए ना तो आप देखो क्या बचता है। और मेरे हाथ जो है वो कैसे हो गए। तो भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और मजा अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और नई नई वीडियोस भी आती रहती हैं, और जो घंटी है वो दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो भाई चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।